वसीम नाम है उसका। रत्ना का दोस्त है, रत्ना की वजह से ही आनंद को जानता है। तो अगर आनंद ने उसे बुलाया था तो वो घर पे क्यों नहीं था? मम्मी कोई बात नहीं, अब वो आ ही गया तो हमारा फर्ज बनता है उसे चाय वगैरह पूछना। एनीवे मम्मी आप ये सब बातें छोड़िए ना, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। कहाँ? एक जरूरी काम से। माँ आप मुझे भी कुछ करना चाहिए ना, इस तरह बैठे बैठे कब तक? माँ एक धुआं उठता है, एक गर्द उड़ती है जब कारवां गुजरता है। मुझे लगता है हमारा कारवां अब काफी आगे चला गया है, आहिस्ता आहिस्ता सब अपने ठिकाने पहुंच गए हैं। अब तो आदतें भी बननी शुरू हो गई हैं, आनंद को अपनी एक आदत हो गई है, आप लोगों की एक आदत बन चुकी है, मुझे भी एक आदत ढूंढनी चाहिए। और मुझे लगता है कब तक इस तरह अपनी जिंदगी के साफ कोरे कागज को लेकर मैं बैठी रहूं? मुझे भी अपनी जिंदगी के पन्नों को भरना है माँ। माँ मैं एक स्कूल खोल रही हूँ। हाँ माँ मैं एक स्कूल खोल रही हूँ बच्चों के लिए, जहाँ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हों। मैं बच्चों के आसपास ही रहना चाहती हूँ, उनसे घिरी हुई, उनके आसपास। माँ जितना मुझे बच्चों से प्यार था उसने वही एक मांग पूरी नहीं की। एक क्या, उसने तो काफी कुछ पूरा नहीं किया। जो अजीज था वो छीन लिया। बेटा जो नहीं मिला उसका अफसोस मत कर, अगर उसने नहीं दिया है तो हो सकता है इससे भी बेहतर चीज देना चाहता हो। जो वो देने वाला है या देना चाहता है उसके सहारे अपनी जिंदगी का सफर शुरू कर। अपना ख्याल रखना और जा कब रही है? अभी वक्त है, उसके पहले मैं आऊंगी ना, आपके साथ एक रात रहूंगी, हम बाहर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, तभी जाऊंगी मैं। अच्छा सुन, तू जो ये स्कूल बना रही है ना, मुझे उसमें पार्टनर ले ले। माँ मैं तो स्कूल आपके नाम में खोलने जा रही हूँ। पार्टनर क्या, आप तो मालिक हैं, आप तो प्रिंसिपल हैं, मैं तो बस एक मामूली टीचर हूँ। रत्ना तुमसे कहा किसने कि जाकर प्यार से कहो कि तुम उन्हें शादी करने वाले हैं, हमारी एंगेजमेंट हो गई है। क्यों, प्रॉब्लम क्या है, इसमें पाप क्या है, इसमें छुपाने वाली बात क्या है? तुम और मैं शादी तो करने वाले हैं ना, और फिर आनंद धोखा तो मुझे दे रहे हो या उसे? रत्ना मैं ना तुम्हें धोखा दे रहा हूं ना पिया को, हर चीज को थोड़ा सा वक्त लगता है, गिव मी सम टाइम प्लीज। ठीक है तुम्हें कितना वक्त चाहिए बताओ, 2 महीने, 10 महीने, 2 साल, 10 साल, कितना वक्त चाहिए तुम्हें? ना मैं जाके पिया को बताने वाला था कि तुम और मैं शादी करने वाले, मैं खुद नहीं चाहता कि बार बार उसके पास जाकर। रत्ना हर चीज का एक तरीका होता है, सलीका होता है, मैं ऐसे ऐसे जाकर उसको कह देता। रत्ना जब चोट लगती है ना तो पट्टी ऐसे से निकाली जाती है ताकि तकलीफ कम हो। नहीं आनंद, अगर चोट लग जाए तो पट्टी एक झटके से खींच देनी चाहिए, दर्द जरूर होता है पर एक बार होता है और फिर खत्म हो जाता है। आहिस्ते आहिस्ते खींचने से दर्द कम जरूर हो जाता है पर बहुत लंबा तक चलता है। रत्ना तुम पढ़ी लिखी होकर इस तरह की बातें कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आता। आनंद यहाँ हम सब पढ़े लिखे हैं और सब समझदार हैं। पिया को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है। तुम पिया से इतना डरते क्यों हो? मैं पिया से नहीं डरता रत्ना। अच्छा तो फिर ये सब क्या है? तुम मेरी अंगूठी पहन लेते हो, मुझे अंगूठी पहना लेते हो, लेकिन पिया को नहीं बता सकते हो। और जिस तरीके से तुम अपनी दुम हिलाते हिलाते उसके पीछे घूमते फिरते हो ना, शी डजंट केयर, शी हैज अ बॉयफ्रेंड आनंद। आकाश और पिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत आगे निकल चुके हैं। खबरदार जो तुमने से आगे कुछ कहा। क्यों, इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये सच नहीं है। ये सच है आनंद, लेकिन तुम ऐसा सोच नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारी सोच तुम्हें अलाउ नहीं करेगी कि पिया तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार कर सके। रत्ना
पिया किसी और से प्यार नहीं करती। क्यों? तुमने भी तो पिया से प्यार किया, फिर रत्ना से प्यार किया, तो वो क्यों नहीं कर सकती है? आखिर वो जवान है, खूबसूरत है, शी इज अ मॉडर्न वुमन, उसकी भी जरूरतें हैं, मानसिक जरूरतें होती हैं औरत की, आनंद शारीरिक होती है। You know what? Let me show you Anand. Okay? Nap! सिचुएशन संभल जाएगी और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने सोचा मैं भी करके देखती हूँ आनंद। अगर तुम्हें मन की शांति चाहिए तो मुझे भी चाहिए। मुझे 10 गुना शांति चाहिए। और तुम जो भी कर सकते हो ना, मैं भी कर सकती हूँ आनंद। ग्लास फेंकने से, ग्लास तोड़ने से कुछ नहीं होगा। सिचुएशन वैसा का वैसा ही रहेगा। मुसीबतों की आंखों में आंखें डालकर हल करना पड़ता है आनंद। यूं भागते छिपते कुछ नहीं होता है, समझे? क्या हुआ ये सब तोड़ने से? कुछ नहीं। मैं जब से तुम्हारे साथ रहने लगी हूँ आनंद, मेरे मन की शांति खत्म होती जा रही है। I'm fed up. I'm tired of you and पिया. जब देखो तुम और पिया, तुम और पिया, तुम और पिया, तुम दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। मैं बहुत खुश थी तुम्हारे बिना आनंद, और मैंने सोचा तुम आओगे तो तुम अकेले आओगे। इससे अच्छा तो जब तुम दिल्ली आते थे कम से कम अकेले आते थे। मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता बांधा, लेकिन तुम तो पिया को साथ ले आए। अब मेरे दिमाग में सिर्फ पिया है, पिया पिया पिया। ना मैं ठीक से जी पा रही हूं, ना मेरा काम हो रहा है। मैं दिल्ली से अलग हो गई हूं, मेरे पुराने साथी छूट गए। नाउ यू गेट आउट ऑफ माय लाइफ, यू गेट आउट एंड लीव मी अलोन। जस्ट गेट आउट, यू गेट आउट। मैंने कहा निकल जा, गेट आउट ऑफ माय लाइफ, गेट आउट, गेट आउट ऑफ माय लाइफ। रत्ना दरवाजा खोलो, रत्ना मेरी बात सुनो। Go away! Just get out! रत्ना क्या कर रही हो? रत्ना प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज स्टैंड अंडरस्टैंड, ओपन दिस डोर। लीव मी अलोन, गेट आउट, गेट आउट, जस्ट गेट आउट। रत्ना ओपन दिस डोर प्लीज। मिस्टर आनंद, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं, इट्स ओके। अरे ओके ओके क्या कह रहे हैं? जानते हैं कितनी देर से अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं? पता नहीं अंदर कौन है और क्या चल रहा है। कितनी तोड़फोड़ की आवाजें आ रही हैं अंदर से। आप जानते हैं आपकी वजह से पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब हो चुकी है। बिल्डिंग के बच्चे और औरतें घबरा गए हैं। ये क्या पागलपन चल रहा है आपका? आई एम सॉरी सर, मैं देखूंगा क्या आइंदा ऐसे ना हो। प्लीज देखिए, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो आई एम सॉरी टू से आपको इस सोसाइटी से फ्लैट खाली करना पड़ेगा। जान जो हो गया सो हो गया ना, बात खत्म हो गई। तुम्हारे लिए खत्म हो गई होगी मोहन जी, लेकिन मेरे लिए तो अब शुरू हुई है। उन दोनों को तो मैं देख लूंगी। उस दिन ये बदतमीज मुझे रेस्टोरेंट में आंखें दिखा रहा था, मुझे, और मुझे मारने के लिए आगे भी आया था और मुझे मार भी डालता, और तुम वहां पर चुपचाप खड़े होकर अपनी बीवी की बेइज्जती होते हुए देख रहे थे। जान, हमारी इज्जत और हमारी बेइज्जती हमारे अपने हाथ में होती है। कोई भी इंसान हमारी इजाजत के बगैर हमारी इज्जत से नहीं खेल सकता। अब आनंद मेरी बेइज्जती क्यों नहीं करता, या फिर पिया की बेइज्जती क्यों नहीं करता? वो सही कह रहे हो, उसके मन में पिया के लिए कोई इज्जत नहीं। अगर आनंद के मन में पिया के लिए थोड़ी सी भी इज्जत होती ना, तो पिया को आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, और पिया ने उसे इजाजत दी, इसलिए आज मेरी बहन को वो ये ट्रीटमेंट दे रहा है। आज वो बेशरम मेरे दरवाजे पे आकर मुझे ये कह रहा है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अपनी बीवी से मिलना है। पिया और आनंद की बीवी, माय फुट। अरे तब कहा था ये, जब मेरी बहन रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तब उसके समझ में नहीं आया
मेरी बीवी? जब आधी रात पर मेरी बहन उसका घर छोड़कर मेरे घर पर आई थी, तब इसके समझ में नहीं आया था मेरी बीवी? और आज अचानक मेरे दरवाजे पे आकर मुझे ये कह रहा है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे मेरी बीवी से मिलना है। अरे वाह, आज अचानक उसका क्या काम आ गया उस औरत से जो कभी उसकी बीवी थी? जवाब दो मुझे मोहन। जान, शांत हो जाओ तुम, प्लीज। मैं शांत हूं लेकिन तुम रैशनल हो जाओ। शांति और रैशनल में कोई रिलेशनशिप नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? हैव आई मेड द पॉइंट एक्सट्रीमली क्लियर टू यू? यस यस, तुम ऑलवेज क्लियर होती हो, कंफ्यूज तो हम ही होते हैं ना। मोहन, तुम्हें अगर मुझे ताना देना है तो दो। आई डोंट केयर, आई जस्ट डोंट केयर। बस बहुत हो गया। अगर मैं चुप रहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूं, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं। मैं रिएक्ट नहीं करना चाहता। मैं क्या, कोई भी रिएक्ट नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ। हेलो मैम। हेलो ट्रीजा, कैसी हो तुम? आई एम ओके, आप कैसे हो? ट्रीजा, तुम अभी नींद से उठी हो? यस मैम। तुम्हें पता है वक्त क्या है? 11 बज गए हैं मैम। वो ट्रीजा, ये क्या बात हुई? मैं यहाँ नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी डिसिप्लिन नहीं रहे। तुम्हें 6:30 बजे उठना है, तुम जानती हो मैम वो। और ये कर्टन्स भी अभी तक बंद हैं, खोले नहीं। ये सब क्या है मैम? वो कल रात को वो सर साहब के दोस्त आए थे। भास्कर आया था? नो मैम। तो फिर साहब किसके साथ बैठे थे? वो अकेले ही बैठे थे। अकेले पी रहे थे? ये सारी सिगरेट्स भी उन्होंने पी? यस मैम, सर अभी अभी सोने गए हैं। के लिए कुछ बना के लाऊं? नहीं ट्रीजा, थैंक्स, इट्स ओके। देखो मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, साहब जैसे ही उठते हैं मुझे बुला लेना। हाँ मैम, वो एक बात बोलो मैम। वो बिल्स आ रखे हैं इलेक्ट्रिसिटी और राशन के। हाँ तो तुमने साहब को बताए? जी मैम बोला था, वो बोले बाद में देखता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, देखो मैं आके तुम्हें पैसे दे देती हूँ बिल्स के लिए। हाँ इनफैक्ट रुको, अभी ही ले लो। ये सारे रख लो, सारे बिल्स क्लियर कर देना। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, घर के लिए राशन मंगवा लेना और लॉन्ड्री का बिल दे देना। साहब के ड्राई क्लीनिंग का बिल आया? मैम अभी ड्राई क्लीन के लिए कपड़े नहीं जाते। ट्रीजा तुम्हें तो मालूम है ना साहब के कौन से शर्ट्स ड्राई क्लीनिंग के लिए जाते थे, तुम ही भेज दिया करो। ओके तुम्हारी सैलरी भी इसमें है, गिन लो। नो मैम इट्स ओके, मैं मामी के यहाँ से आती हूँ। हाँ ओके मैम, बाय।
दिस इज फॉर यू। ये तो बहुत खूबसूरत है, पर ये तो बहुत महंगा होगा ना। नहीं यार, ये मैं तुमसे नहीं ले सकती। फॉलो मी, प्यार में महंगा और सस्ता क्या होता है यार। मैंने ये चीज देखी, मुझे तुम्हारे लिए अच्छी लगी और मैंने ले ली। अब इसे खरीदते टाइम मैंने ना महंगे का सोचा ना सस्ते का। आई मीन आई जस्ट थॉट कि इट विल लुक गुड ऑन यू। यू आर राइट, बट मैं ये तुमसे कैसे ले सकती हूँ यार। सिर्फ मेरे लिए? नो प्लीज प्लीज। देखो आनंद, जिंदगी इस तरीके से तो नहीं चल सकती ना। आनंद, जिंदगी जीतने का ये कोई तरीका नहीं हुआ। जिंदगी जीने का ही ये कोई तरीका नहीं हुआ। मेरे ख्याल से तुमसे ज्यादा पॉजिटिव इंसान मैंने कभी नहीं देखा। मैं हमेशा लोगों से कहा करती थी, आनंद इज सच अ पॉजिटिव पर्सन, उसमें कितना उत्साह, कितनी लगन है। इस वक्त तुम्हारा ये हाल देखना, इट हर्ट्स आनंद, इट रियली हर्ट्स। And it hurts because I care for you. I still care for you a lot. और आनंद, मैं जो यहाँ आती रहती हूँ, तुम्हारे शर्ट्स ड्राई क्लीनिंग पे देती हूँ, तुम्हारे शीट्स वॉश करने देती हूँ, वो सिर्फ इसलिए because I care for you. तुम्हारा और मेरा इंसानी तौर पे रिश्ता अब भी है। प्लीज तुम इसका गलत अनुमान मत लगाना, इसमें प्यार ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि दोस्ती में कितना सुनाओगी पिया, कितने बार सुनाओगी तुम मुझे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, कि तुम सिर्फ एक दोस्त हो। बहुत बार सुन चुका हूं मैं। तो फिर? फिर क्या पिया, तुम्हें जो रिश्ता रखना है हमारे रिश्ते को जो नाम देना चाहती हो तुम, मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें। वैसे भी मेरा क्या हक है, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इंतहा प्यार करता हूं। इस दुनिया में अगर मैं किसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं तो वो तुम हो।